एमपी के चुनाव में बीजेपी की रणनीति क्या होगी, ये बड़ा सवाल है। 20 साल बाद चुनाव में नहीं होगा बीजेपी का कोई चेहरा, क्या ऐसा होगा? क्या कमल का फूल दिखाकर और पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव में वोट मांगती नजर आएगी बीजेपी? इस बात की चर्चा बहुत तेजी से राजनीतिक गलियारों में हो रही है। मध्य प्रदेश में 4-5 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस और बीजेपी के में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सुगबुगाहट तेज है। ज्यादातर कांग्रेस के नेता तो कमलनाथ को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान के बजाय कमल के फूल के नाम पर वोट मांगने की बात ये कह रहे हैं। क्या इसका मतलब यह है कि 2018 के नतीजों से सबक लेकर बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल ली है? क्या इस बार के चुनाव पूरी तरह से मोदी के नाम पर लड़े जाएंगे? ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे का आखिर क्या होगा? राजनीतिक परंपरा में चुनावों के बाद सबसे बड़ी पार्टी का विधायक दल का नेता ही चुना जाता है, उसे ही मुख्यमंत्री बनाया जाता है। 2003 में बीजेपी ने तय किया कि मध्य प्रदेश में चुनावों से पहले मुख्यमंत्री के चेहरे को प्रोजेक्ट किया जाएगा और दिग्विजय सिंह के सामने उमा भारती को उतारा गया। यह उस वक्त की बात है। सफलता मिली तो यह परिपाटी बन गई। 2008 से लेकर 2018 तक शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाले उनके चेहरे को दिखाकर ही बीजेपी ने वोट मांगे। पिछले चुनाव में बीजेपी को मिली हार ने स्ट्रैटेजी बदलने को मजबूर किया। ये बात अलग है कि 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कई विधायक बीजेपी में आ गए और सरकार फिर बीजेपी की बनी। उस समय शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री बनाया गया क्योंकि बीजेपी के पास उनके जैसे व्यक्तित्व वाला कोई नेता था ही नहीं। अब 2023 के चुनावों को लेकर पार्टी के नेता शिवराज की जगह कमल के फूल को चेहरा बनाने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा लिया जा रहा है। उनके कटआउट्स भी लग रहे हैं शिवराज से ज्यादा। सागर में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं के सामने कहा कि पार्टी का चेहरा कमल का फूल है। एक दिन पहले इंदौर में बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने भी इस बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि कमल के फूल ही को चेहरा मानिए। इन बयानों से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस जो एक बढ़ गया है और सियासी गलियारों में चर्चा भी। 2018 में बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी को मालवा, निमाड़, ग्वालियर, चंबल और महाकौशल में भारी नुकसान हुआ था। बीजेपी इन क्षेत्रों में खोया जनाधार बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय जो नेता हैं उन्हें मजबूती देना चाहती है। इसी को ध्यान में रखकर कमल के फूल को चेहरा बनाया गया। कमल के फूल के पीछे सभी नेता एकजुट हो सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रभु पटेरिया कहते हैं कि कांग्रेस में क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं, जो दल हैं, वो बीजेपी के कई क्षेत्रों में समान कद के नेता की तरह दिखाई पड़ते हैं। उनका अपने क्षेत्र और कार्यकर्ताओं पर प्रभाव है। ये एक जमाने में कांग्रेस के साथ था। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद से ये लाइन और गहरा गई है। ऐसे में एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ने कमल को आगे कर रखा है और कमल के फूल पर ही चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। वहीं एमपी में चुनावों से पहले बीजेपी में पुराने नेताओं में नाराजगी और असंतोष है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी ने पार्टी की चिंता भी बढ़ा दी है। उन्हें मनाने के लिए पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी है। नेता कार्यकर्ताओं को कमल का चेहरा होने की बात कर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कमल मतलब कार्यकर्ता, ताकि उनकी नाराजगी दूर होने के लिए चुनावी तैयारी मजबूत की जा सके। एक निश्चित समय तक रहने के बाद जनता सत्ताधारी दल से असंतुष्ट हो जाती है और इसे ही कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी। भाजपा 2018 के डेढ़ साल छोड़ दें तो 2003 से सत्ता में है। शिवराज सिंह चौहान 2005 में मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस लगातार शिवराज सरकार पर हमला बोल रही है, उनके कार्यकाल के भ्रष्टाचार घोटाले गिना रही है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए बीजेपी अब शिवराज की जगह कमल के फूल को ही चेहरा बताती दिख रही है। और ये बहुत बड़ा विषय है कि मध्य प्रदेश में कमल के फूल और पीएम मोदी को ही चेहरा बताया जा रहा है। यानी ये स्पष्ट है कि चुनाव से पहले किसी चेहरे के ऐलान के साथ बीजेपी शायद मध्य प्रदेश चुनाव में नहीं जा रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।